नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में शराब की गंगा खुलेआम बहने लगी है। जिले में शराबबंदी 2015 में जिले के लोकप्रिय पालक मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार ने लाई थी। शराबबंदी महज कागज पर ही बंद रही, किंतु जिले की हर गली गली में खुलेआम शराब शुरू हो गई है, जिसमें हजारों युवक इस गोरख धंधे से कम समय में करोड़पति बनते व बर्बाद होते रहे। उसी प्रकार जिले के महत्वपूर्ण पुलिस थानों में तैनात पुलिस के आला अधिकारी भी करोड़पति बनते नजर आए। कई शराब विक्रेता इस धंधे में इमारत बनाकर व कार खरीद कर अमीर बने हैं। 2019 में महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद विधायक विजय भाऊ वजेट्टीवार के प्रयास से 17 मई 2021 में चंद्रपुर जिले से शराबबंदी हटाई गई। शराबबंदी के पूर्व जिले में शराब की 350 परमिट शराब की दुकानें थी, किंतु अब शराबबंदी हटने के 2.5 साल बाद अब जिले में 733 शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी किए गए हैं। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने बिना जांच पड़ताल व नियमों की अनदेखी कर बार एंड रेस्टोरेंट, वाइन शॉप, देसी शराब की दुकान व बियर शॉप को जहां जरूरत नहीं है ऐसी जगह में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए करीब 50 करोड़ रुपए की उगाही कर लाइसेंस बांटने की खबरें अखबार की सुर्खियां बनी हुई है। चंद्रपुर के अंबेडकर पार्क के बबूपेच में बल्लारपुर रोड पर नजूल की जगह पर देसी शराब की दुकान को परमिशन दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में देसी शराब की 120 दुकान, बार एंड रेस्टोरेंट की 600 दुकान, वाइन शॉप की 14 दुकान, बियर शॉप 150 दुकानें नई व पुरानी मिलाकर हैं, जिन्हें न्यायालय, स्कूल, महाविद्यालय, मंदिर आदि से करीब 75 मीटर की दूरी को मेंटेन करते हुए लाइसेंस देना चाहिए था, किंतु आबकारी विभाग के नियमों को गिरवी रख मनमाने ढंग से शराब की दुकानों को लाइसेंस बांटे हैं, जिस कारण राज्य उत्पादन शुल्क विभाग चंद्रपुर के अधीक्षक, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, अहवाल तैयार करने वाले लिपिक की शिकायत राज्य उत्पादन विभाग के मंत्रालय में किए जाने की जानकारी सामने आई है। आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या अब ईडी के तहत कार्रवाई होगी, देखने वाली बात है। देखिए जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर से रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।